मम्मी इसके अंदर का है। खोल के देखो कैसे खोलोगे, आपको आएगा खोलने? मैं हेल्प करूँ? अच्छा रुको, मैं बहुत ही ज्यादा ना छुपम रुकता है, मुझे बताएं। ला मैं खोलते हूँ, पता चला सारी रात ये खेलती रहे जो भी हो। रुको रुको रुको, खोलते हैं। मेरे हैप्पी बर्थडे है मेरे बेटे का। हाँ आज है आपका हैप्पी बर्थडे। ये है शायद उस पे जो लिखते हैं और रफ करते हैं वो है, ये मुझे पता है। वाह सुंदर। इसे ये निकालो पेंसिल, ये पेंसिल निकालो, पेन निकालो, लामे निकालो, लिखो इस पे, लिखो लिखो वाल, लिखो ऐसे उल्टा है बेटा, ऐसे रखो, ऐसे रखो और लिखो लिखो। तो इस पे लिखो, आपको एक चीज दिखाते हैं कैसे होगा। इस पे लिख के देखो ना, क्या ऐसे ऐसे लिख के देखो, ये देखो ये है ना, निकालो दे पेंसिल निकालो, ये लो लिखो। मम्मी इस पे लिख के दिखाओ तो जरा, इसको कुछ लिख के दिखाओ, ये देखो वन, देखो ऐसे कर देंगे तो मिट जाए। हैप्पी बर्थडे हर्षिका। थैंक यू आपको मेरा हैप्पी बर्थडे देने के लिए। ओ भाई अब ऐसे दिखा, नहीं मिटाना, नहीं नहीं मिटाओ, मौसी को दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखाओ, ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ बेटा। वाह ये तो बहुत ही, ये तो ओ सॉरी, ये तो बहुत ही सुंदर दिए मोस, पापा जी ने बहुत सुंदर गिफ्ट दिया ना अशु। तो बेटी का है जन्मदिन और बेटी के पापा को भी जाना है ड्यूटी पे, ड्यूटी पे नहीं जाना, ड्यूटी पे मतलब आज जाना है उनको इलेक्शन ट्रेनिंग पे, जिस बात को बहुत दुख है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, हर बार वो क्या करते हैं, उसके बर्थडे वाले दिन वो छुट्टी करते हैं, ड्यूटी पे भी नहीं जाते हैं, बट आज उनको मतलब जाना जरूरी होगा क्योंकि इलेक्शन ट्रेनिंग पे जाना है, नहीं जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उनको जाना पड़ेगा इलेक्शन ट्रेनिंग में। तो उसका हमने बर्थडे सेलिब्रेट का भी वो कर रखा है इंतजाम तैयारी, तो उसके लिए हमें मतलब पूरा तैयारी करनी पड़ेगी। सब लोग आएंगे, सब लोग क्या आएंगे, हमने अपनी ननद को बुलाया है, नंदोसी को बुलाया है, तो वही लोग आएंगे फिर, और बाकी आसपास के उसके फ्रेंड्स हैं जो उनको ही बुला लेंगे, तो वो तो जब उसके पापा आएंगे 7-8 बजे रात को तब बुलाएंगे। बाकी उससे पहले जो भी करना है, घर को डेकोरेट करना है, हर चीज़ करना है, वो सब मैं ही करने वाली हूँ। तो दिखाती हूँ मैं इस वाले रूम को, ये बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहीं पे हम करेंगे हर्षु का बर्थडे की तैयारी। अब इसको करना है सबको साफ सफाई, सारा सामान सेट करना है। ये हमारा एक हॉल है छोटा सा, जहाँ पे हम हर बार बर्थडे करते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, जैसे कोई आए गेस्ट वगैरह तो वही रुकते हैं, और हर्षु का बर्थडे यहीं मनाया जाता है, हर बार यहीं मनाते हैं हम लोग। और ये देख सकते हैं इसको अभी सब सफाई करना है, यहाँ पर पूरा सेट करना है, ये देख सकते हैं ये रस्सी बांधी हुई है हमने यहाँ पर, क्योंकि जब बारिश यहाँ पे बहुत बारिश होती है तो कपड़े भी सुखाना होता है, तो हम अभी भी देख सकते हैं एक शॉर्ट डली हुई है, तो जब कपड़े सुखाना होता है तो हम लोग यहीं डाल देते हैं, जब मतलब थोड़ा पानी निचुड़ जाए तो मिलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे होती है तैयारी, आपको दिखाऊंगी मैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं जल्दी जल्दी आटा गूंद रही थी, आटा भी साथ साथ गूंदते मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि बहुत लेट ना हो, और मेरी बेटी सो रही थी तो मैं सोच रही थी जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए। साथ साथ मैं अपने इधर छोले भी बना रही थी, तो दोनों काम मैं साथ साथ कर रही थी, और पूड़ियों के लिए भी तैयारी करना था, तो फटाफट काम अपना निपटा।
तो हो गई हूँ मैं, मैंने नहा धो लिया है। नहा धोने के बाद मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है, और पूजा पाठ करने के बाद अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। चाय पी के फिर मैं हर्षु को नहलाऊंगी, और अभी बज गए 11, काफ़ी लेट हो रहा है। तो हर्षु के फिर नहलाने के बाद मैं उसको तैयार कर दूंगी। थोड़ा सुबह नहीं नहला रहे हैं क्योंकि उसको ना थोड़ा कोल्ड भी हो गया है, थोड़ा उसका जुकाम वगैरह हो गया है रात से। तो हर्षु अभी क्या कर रही है दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये है हर्षु का गिफ्ट, मिला है रात को। किसने दिया हर्षु ये गिफ्ट? पापा ने। पापा जी दिया आपको गिफ्ट? क्यों दिया बताओ, क्यों दिया आपको पापा गिफ्ट? मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट दिया है पापा ने। आपका बर्थडे है आज? के लिए गिफ्ट दिया है। आपका बर्थडे इसीलिए गिफ्ट दिया है? और आपको क्या हो गया है? जुखाम हो गया है, नोजी आ रहा है बार बार, और खांसी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। और आप इस पे क्या, ये क्या है, ये लिखने वाला है? कैसे लिखते हैं इस पे? ऐसे आओ, आपने 3 लिखा, वाओ। ओए, तो हर्ष के पापा चले गए हैं अपने ऑफिस, इलेक्शन ट्रेनिंग में गए हैं। काफ़ी वो सैड थे ऐसे, मुझे आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे जाना पड़ रहा है काम करने, क्योंकि जाना ज़रूरी था इसलिए गए, नहीं तो वो हमेशा छुट्टी करते और इस बार भी वो छुट्टी ही करते, बट जाना था। लेटर पहले आ चुका था तो जाना था, इसलिए वो चले गए। काफ़ी सैड थे, वो जाना नहीं चाह रहे थे, पर क्या करें, जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो वो आएंगे शाम को करीब 7 बजे के आसपास, 7-8 बजे, क्योंकि काफ़ी दूर गए हैं वो, कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर उनकी ट्रेनिंग है, वहाँ गए हैं। तो वो आएंगे रात को, जब तक हम करेंगे हर्षु की बर्थडे की तैयारी, सारी तैयारी करेंगे। और हर्षु के कौन कौन आने वाला है हर्षु आपके बर्थडे में? बहुत सारे आने वाले मेरे फ्रेंड। बहुत सारे आपके फ्रेंड आने वाले हैं? और कौन कौन आएगा? आपके फ्रेंड कौन है, आपके फ्रेंड्स का क्या नाम है? मेरे फ्रेंड का कुछ भी नाम होता है। कुछ भी नाम होता है? आपको अपने फ्रेंड्स का नाम नहीं पता? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी कुछ होता है ना। सभी कुछ होता है। ओ, कितनी फ्रेंड है आपकी? 5 फ्रेंड है। ओ, तो चलिए दिखाते हैं हम आगे, आगे दिखाती रहूंगी मैं आपको। हम हर्षु के बर्थडे की तैयारी करेंगे, और अब हर्षु जा रही है थोड़ी देर में नहाने। हर्षु आप कितने साल के हो जाओगे? 3 साल के। 3 साल के हो जाओगे? आज कितने तारीख है? 2 तारीख। 2 तारीख आज? 8 तारीख नहीं है? 8 तारीख। 8 तारीख है?